क्या आप एक पहेली या स्टोरी का चैनल बना चुके हैं या बनाने के बारे में सोच रहे हैं? और अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो आपके फोन में यह 5 एप्लीकेशन तो होनी ही चाहिए, क्योंकि ये 5 एप्लीकेशन एक साथ मिलकर हमें यूट्यूबर बनने में मदद करते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि वो 5 कौन सी एप्लीकेशन है जिसे हमें अपने यूट्यूब वीडियो बनाने में यूज करनी चाहिए। हमारी पहली एप्लीकेशन है लिरिक्स ऑडियो एडिटर। देखिए, हमें किसी भी कैटेगरी की वीडियो बनानी हो और उसमें वॉइस क्वालिटी अच्छी ना हो तो फिर उस वीडियो के चलने के कोई भी चांस नहीं होते। और हम जब पहेली या स्टोरी वीडियो बनाते हैं उसमें हमारी वॉइस क्वालिटी अच्छी ना हो फिर तो वो वीडियो किसी काम की नहीं है। तो हम अपने प्ले स्टोर से लिरिक्स ऑडियो एडिटर को डाउनलोड कर लेंगे और अपने रिकॉर्ड किए गए ऑडियो को इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद इफेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके नॉइज इफेक्ट को यूज करेंगे जिससे हमारी वीडियोज़ की नॉइज क्लियर हो जाए। आप चाहें तो इनमें से और भी इफेक्ट यूज कर सकते हैं। अगर आप ऑडियो रिकॉर्ड करने से लेकर एडिट तक का फुल ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए। हमारी दूसरी एप्लीकेशन है टैग यू। अब आप सोच रहे होंगे इसका क्या काम, तो मैं आपको बता दूं, आप सोचिए हमारी वीडियो रिकमेंडेड में कैसे जाती है। जब हमारी वीडियोज के टैग जो प्ले हो रही है उस वीडियो के टैग से मैच करता है तभी हमारी वीडियो रिकमेंडेड में जाती है। तो मैं बस आपसे यह कह रहा हूँ, आप जिस भी कैटेगरी की वीडियोस बनाते हैं उसी टाइप के क्रिएटर के वीडियो का लिंक कॉपी कीजिए और टैग यू में आकर उसे पेस्ट कीजिए। अब आप देखिए उन्होंने अपनी वीडियो में कैसी टैग लगाई है। इससे आपको एक हिंट मिलेगा कि आपको कैसी टैग लगाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इनके टैग को कॉपी करके अपने टैग में लगाएं, नहीं मैं ऐसा बिल्कुल ही नहीं कह रहा हूँ। मैं बस यह कह रहा हूँ कि इन्होंने जैसे अपनी वीडियो में टैग लगाए हैं उनमें से आप कुछ चेंज करके अपने वीडियो में टैग लगाएं जिससे कि आपकी वीडियो इनके वीडियो के रिकमेंडेड में जाए। मुझे उम्मीद है मैं क्या कहना चाहता हूं आप समझ चुके होंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं कि हमारी तीसरी एप्लीकेशन कौन सी है। देखिए, किसी भी वीडियो को वायरल करने में सबसे बड़ा रोल उसके थंबनेल का होता है। अगर थंबनेल अच्छी है तो वीडियो चलती ही है, यह तो आपको पता ही होगा। इसकी मदद से एक सुंदर, अच्छी और अट्रैक्टिव थंबनेल बना सकते हैं। अगर आप इसका भी फुल ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए। अब चलिए हम अपने चौथे एप्लीकेशन को देखते हैं। हमारी चौथी एप्लीकेशन है अनलिमिटेड बैकग्राउंड इरेजर। अगर आप कोई ऐसी वीडियोज बनाते हैं जिसमें आपको किसी भी इमेज को PNG में कन्वर्ट करना पड़ता है तो यह एप्लीकेशन आपके लिए ही है। हमें प्ले स्टोर पर जाना है और अनलिमिटेड बैकग्राउंड इरेजर सर्च करना है और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इसको यूज करना बहुत ही आसान है। अगर आप एक पहेली वीडियोज बनाते हैं या बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको इस एप्लीकेशन का कीमत पता ही होगा। मैं पैसे वाली कीमत की बात नहीं कर रहा, मैं इसके काम की कीमत की बात कर रहा हूँ। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि हमारी लास्ट टू एप्लीकेशन कौन सी है। तो हमारी लास्ट टू एप्लीकेशन है काइन मास्टर। अगर आप वीडियो बनाने के बारे में सोच रहे हैं और आपके पास काइन मास्टर ना हो तो यह क्या बात हुई। और अगर आप प्ले स्टोर से काइन मास्टर को डाउनलोड किए हैं तो आपको उसमें वाटरमार्क देखने को मिलेगा और आपको उसमें फुल फीचर्स भी नहीं मिलेंगे। तो अगर आप चाहते हैं आपके पास फुल फीचर वाला काइन मास्टर हो और उसमें वाटरमार्क भी ना आए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं कि काइन मास्टर को कैसे डाउनलोड करें कि जिसमें हमें फुल फीचर देखने को मिले। अगर आपको काइन मास्टर चलाना नहीं आता तो मैंने एक और वीडियो बनाई हुई है, आप उसे देख कर सीख सकते हैं कि हम अपने फ़ोन से पहली वीडियोस या किसी भी टाइप की वीडियोस काइन मास्टर में कैसे बनाएं। और हाँ, क्या आप इन सभी एप्लीकेशनों का फुल ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं? अगर हाँ तो नीचे कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।